अगर जो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए सभी ज्ञान सीखते रहो यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, मैं चंदन स्वागत करता हूं आपका सभी ज्ञान सीखते रहो चैनल पे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गूगल क्रोम सर्च हिस्ट्री कैसे डिलीट करें। तो मैं आपको अपने मोबाइल पे करके बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन्होंने भी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का आइकन आएगा उसको भी दबा दीजिए। मैं आपके लिए ऐसे नई नई वीडियो लेकर आते रहता हूँ और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऑफ में कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, आपको बताते हैं कि गूगल क्रोम सर्च हिस्ट्री कैसे डिलीट करें। तो फ्रेंड्स, उसके लिए सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना होगा। उसके बाद आपको ऊपर के साइड में आपको थ्री डॉट के आइकन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको कई ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा हिस्ट्री, तो आपको हिस्ट्री के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। तो जैसे ही आप हिस्ट्री के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपने जो जो क्रोम ब्राउजर में आपने जो जो सर्च किया चीज़ें वो यहाँ पे सारा आपको दिखने लगेगा। तो आप चाहे तो एक एक करके भी डिलीट कर सकते हैं, एक को अगर जो आपको डिलीट करना है, आपको जिसको भी डिलीट करना है उसके सामने में एक देख लीजिए डिलीट का आइकन आपको नज़र आ जाता है, बस उस पर आप क्लिक कीजिए तो आपका वो वाला डिलीट हो जाएगा। तो अगर जो एक एक को आपको डिलीट करना है तो इस तरह से कर सकते हैं, जिसको आपको डिलीट करना है उसके सामने डिलीट का आइकन मिल जाता है, उस पर आप क्लिक कीजिए। तो आप चाहे तो इस तरह से करके एक एक कर को भी आप डिलीट कर सकते हैं। अगर जो आप पूरे डिलीट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है क्लियर ब्राउजिंग डेट, आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। और उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करके टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप लास्ट आवर का डिलीट करना चाहते हैं या लास्ट 24 आवर या लास्ट 7 डे, लास्ट 4 वीक्स या ऑल टाइम। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर जो आपको पूरा डिलीट करना है तो ऑल टाइम पर क्लिक कीजिए। तो हमें देख लीजिए 1 सप्ताह का डिलीट करते हैं, लास्ट 7 डे पर मैं क्लिक कर देता हूँ क्योंकि हमें 7 दिन का डिलीट करना है। तो 7 डे पर क्लिक हो गया। अब देख लीजिए यहाँ तीनों सेलेक्ट है, अगर जो आप तीनों को डिलीट करना चाहते हैं तो तीनों पर टिक रहने दीजिए। उसके बाद अगर जो तीनों को डिलीट करना है तो यहाँ क्लियर डेटा के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद फिर से आप क्लियर पर क्लिक कर दीजिए और फिर ओके गोट इट पर क्लिक कर दीजिए। और देख लीजिए यहाँ पर मेरा जो है 7 डे का डेटा जो है वो डिलीट हो गया है, 7 दिन का जो डाटा है वो डिलीट हो गया है। तो इस तरह से आप डिलीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और आप में कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। तो जल्द मिलेंगे फिर एक नए वीडियो नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए बाय।